नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 13/8/2018 की रात मुंबरा पुलिस गश्त के दौरान एक गुप्त सूचना मिली। कादर पैलेस में जो है अवैध तरीके से टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा है, जिसके बाद मुंबरा पुलिस सीनियर्स किशोर पासलकर ने अपनी टीम के साथ कादर पैलेस में जो है छापामारी की, जिसमें अलग अलग चार इमारतों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। रन हो रहा था, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसके आधार पे हमारे PSI बड़े हैं और PI क्षीरसागर और उनके सामने जो टीम है आपके सामने है, इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करके वहाँ पर रेड किया है और इसमें टोटल 3 आरोपी हमारे पास में अरेस्ट हो गए हैं। चौथा एक आरोपी अरेस्ट होने वाला है। ये जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनके नाम है शहजाद निसार शेख, वह 30 वर्ष, थाना कादर पैलेस मुमरा। ये ओरिजिनली आजमगढ़ का रहने वाला है और सेकंड पास है। शकील इखलाक अहमद शेख, वह 40 वर्ष, थाना कादर पैलेस मुमरा, ये भी ओरिजिनली आजमगढ़ का है, 5वीं पास है। मोहम्मद हली मुख्तार अहमद खान, वह 36 वर्ष, ये कादर पैलेस में ही था और ये भी ऑरिजिनली आजमगढ़ का है। चौथा जो आरोपी है इसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये जो पहले आरोपी हैं इनके पास में से 3 सिम स्लॉट बॉक्स, 4 वाईफाई राउटर और 75 सिम कार्ड्स। दूसरा जो आरोपी है उसके पास में 5 सिम स्लॉट बॉक्स, 2 वाईफाई राउटर और 55 सिम कार्ड। तीसरे आरोपी के पास में से 3 सिम कार्ड बॉक्स, 2 वाईफाई राउटर और 59 सिम कार्ड्स ऐसे हमको मिले हैं। चौथा जो आरोपी है उसके पास, उसके घर झड़पी में भी हमको सिम स्लॉट बॉक्स मिले हैं और 51 सिम कार्ड ही मिले हैं। ऐसे कुल 14 लाख का हमने इसे माल जब्त किया है। ये वाकया ऐसा जो प्राथमिक माहिती हमको जो मिली है वो पिछले 1 साल से चल रहा था और इसको इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें जो इनका ये गुनाह करने का जो तरीका था वो उसकी टेक्निकलिटीज़ कुछ इस प्रकार की थी कि गल्फ कंट्रीज़ में, स्पेशली दुबई में जो लोग हैं इनके, जो यहाँ जो कॉल रिसीव करते थे इनके दोस्त या फिर रिलेटिव्स या फिर हूसेवर, इनको जब कॉल करना होता था तो लोग वहाँ से एक उनके मोबाइल में जो सर्विस को जो दे रहा था इस तरह की इलीगल सर्विस, उसके पास से, उसके फ़ोन से एक हेलो गल्फ नाम का एक ऐप आता है, सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू VOIP वॉइस ओवर इंटरनेशनल कॉल ये जनरेट करके वो कॉल यहाँ जो ये सिम कार्ड सिम बॉक्स है इसमें इसका जो स्टैटिक IP एड्रेस है और उसके द्वारा जनरेट किया उससे कनेक्टेड जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको ये कॉल आता था और यहाँ पे हार्डवेयर इसमें जो स्विच है उसके द्वारा वो कॉल स्विच होता था और वो ट्रांसफ़र होता था इसमें जो लोकल एक सिम कार्ड जो बहुत सारे डाले हुए हैं तो जो भी अवेलेबल 3 सिम कार्ड है वहाँ पे वो कॉल ट्रांसफ़र होके फिर उस सिम कार्ड से वो कॉल यहाँ पे लोकल कॉल के बन के जिसको कॉल जाना होता था उसको जाता था। इस तरफ इस पूरी प्रक्रिया में जो ISP कॉल्स की जो नॉर्मल जो सिस्टम है और इंटरनेशनल ऑथराइज नोन गेटवेज हैं उसको बाईपास करके ये काम होता था। इसकी वजह से जो रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट को होता है उसका एस्टिमेट हम लोग करेंगे विद असिस्टेंस ऑफ टेली कम्युनिकेशन ऑफिशियल। और दूसरा एक इसमें सिक्योरिटी एंगल इस तरह का इन्वॉल्व है कि वो कॉल ट्रेस नहीं हो पाती है तो वो एक इसका एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। इसमें एक और बात ऐसी है कि इसमें एक जो आरोपी है शहजाद निसार शेख, इसकी हाउस सर्च लेने पे इसके पास में हमको एक पिस्तौल भी मिली है जिसका हम लोगों ने एक सेपरेट ऑर्गन्स रजिस्टर किया है और उसमें एक पिस्तौल और 5 जीवंत कारतूस हमको प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमने इसमें जो एक्शन लिया है वो ये है कि इसमें टेलीफोन एक्सचेंज इलीगल जो चल रहा था वो सामने आया है। इसको इसके कुछ और भी आगे भी कुछ कनेक्शंस हैं, कुछ और इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी और फर्दर क्रिमिनल एक्टिविटीज के द्वारा चलाई जा रही थी कि नहीं इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कितना गैंग से संबंधित है, कुछ जो ऐसे कुछ जो एक्सटॉर्शंस करते हैं उससे कुछ संबंधित है कि जो फेक कॉल है या फिर एजेंसी है, ये ऐसी किसी अंडरवर्ल्ड या किसी इससे संबंधित है कि नहीं, वी विल इन्वेस्टिगेट इनटू दैट।
सर शहजाद के खिलाफ कोई और भी मामला दर्ज है इसके पहले किसी पुलिस हम लोग उसको चेक कर रहे हैं फिलहाल दुबई कनेक्शन कुछ आ रहा है ये दुबई कनेक्शन इसमें तो है क्योंकि दुबई से ही एक कॉल आ रहा था तो दुबई में इनका एक आदमी को था जो तो वो कौन था और क्या था उसका रजिस्ट्रेशन करेगा इतने बड़े पैमाने में सिम कार्ड मिलना एक आम आदमी को आधार कार्ड पर सिम नहीं मिलता इतने बड़े पैमाने में सिम मिलना इसमें ऐसा लगता है कोई कंपनी के लोग इन्वॉल्व या ये सीरियस मुद्दा है ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है तो हम लोग उस कंपनी से भी टेकअप करने वाले हैं पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें से 37 वाईफाई और 291 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं जिसमें से एयरटेल और वोडाफोन कंपनी के सिम हैं इनका कनेक्शन दुबई से जुड़ा हुआ है जो भी स्टडी कॉल वहां गल्फ कंट्री से आती थी उस राउटर के जरिए से जो है यहां पर लोकल कॉल में उसे डिवाइड कर दिया जाता था और जो शहजाद नाम का आरोपी जो बताया जा रहा है उसके पास से 25,000 कीमत की जो है एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है पुलिस ने अब तक इन चारों के पास से जो है तकरीबन 14,00,000 की जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद की है इस मामले की भी छानबीन की जा रही कि जो इन आरोपियों के पास से सिम कार्ड बरामद की गई है उन कंपनियों ने इनसे सिम के दौरान दस्तावेज लिए थे या नहीं लिए थे कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान प्रहार टाइम्स मुमरा